13 महीने सारे हिंदुस्तान के किसान, अगर सारे ही किसान हैं उनके प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे थे, कहीं अन्य जगह नहीं, देश के राजधानी में। तो कितना समय के लिए? 13 महीने के लिए बैठे थे। उनको क्या क्या नहीं कहा सरकार ने? नक्सलेट भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, उग्रवादी कहा, तो नहीं क्या क्या आरोप। फिर भी वहाँ धूप में, चाव में, बारिश में, जाड़ा में, ठंडा में लोग अटल बैठे रहे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री माफी मांग लिया कानून, लेकिन उससे हम खुश हो गए तो तुतल पुतल हो गए, जिधर के उधर निकल गए, हट गए। 13 महीने इतनी कड़ी आंदोलन करने के बाद और आंदोलन के दरमियान 750 किसान शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसका सहानुभूति का, संपत्ति का एक शब्द नहीं निकला। कुछ इनके घर के परिवारों के लिए कुछ मदद नहीं मिली और कोई समस्या हल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश पंजाब में अगर चुनाव नहीं आता, कानून वापस नहीं लेते, प्रधानमंत्री अभी नहीं मांगते। यानी कि जब भी हम उठते हैं लड़ते हैं, जैसे अंगार पे चीटे पानी के चीटे डालते हैं, उस प्रकार का हम लोगों को बेवकूफ बनाए। तो अब समझने की टाइम आ गया। ऐसे ही स्थिति, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे ही स्थिति यहाँ तेलंगाना राज का, इससे भी बुरा, महाराष्ट्र से कई गुना बुरा हाल था। तेलंगाना हर दिन 4 लोग मरना, 5 लोग मरना, सिर्फ किसान नहीं, बुनकर 7-7 लोग, 6-6 लोग हमारे सिलसिला शहर में है, कुचमपल्ली शहर में, बाग में, कहीं कहीं जगह। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार हमको पता था कि भाई खबर आज 6 किसान, 5 किसान, हमको में आंसू आते होते। पर तेलंगाना आंदोलन के दरमियान भी मैंने रो पड़ा, कई जगह रोया मैं, इमोशनल होकर। ऐसी स्थिति थी जब पूर्ण तरीके से, पूर्ण कमिटमेंट से हमने राज हासिल कर लिया, सारे समस्या समाधान मिल गया, रास्ता तो मिल गया, कम से कम राहत तो मिली कि चल है, हम चल रहे हैं, चल पड़ा है। आज किसानों का आत्महत्या ऑलमोस्ट 0 हो गया है। सारे किसान जो पलायन थे, ये राज्यों में गए थे अपने पेट साथ हाथ में, वो सारे के सारे वापस आए। आज एक बात मैं कहता हूँ, मकर से भी कहता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान के हिसाब, केंद्र सरकार का हिसाब है, मेरा नहीं है आंकड़ा, मेरा नहीं है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट है। आज पूरे भारत में, पूरे भारत देश में 94 लाख एकर्स में धान है, पैडी 94 लाख, जिसमें से 56 लाख एकर सिर्फ तेलंगाना में है। लेकिन जितना तेलंगाना में है उसमें आधा भी पूरे भारत में नहीं है। आज इसी टाइम कल जाते जाते आप रास्ते में देखोगे, आज मार्च के अंत में, April 1st आज के दिन है, आज नदियों में पानी देखोगे आप। इसलिए मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ, हरी साधु से मेरा निवेदन है, आप कुड़वेली वागु, हल्दी वागु इनको जरूर बता दें, मंगलूर पदवा को बता दें, अप्रैल महीने में नदियाँ कैसे बह रहे हैं तेलंगाना, हिमालय तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन हिमालय से ऊंचा संकल्प है वो आज नदियों में पानी बहा रहा है। ये काम संभव है, हर जगह बिल्कुल संभव है। 2-3 शब्द और बताऊंगा फिर मैं बैठ जाऊंगा। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं था सिंगापुर में, सिंगापुर का हाल क्या है आज हमारा हाल, सिंगापुर का अर्थव्यवस्था क्या है हमारा अर्थव्यवस्था क्या है,
क्रम से सर झुक जाता है, यहां तक कि मिट्टी भी नहीं है उनके पास, उनकी पूरी पेरीमीटर यानी कि वो क्या बोलते हैं पेरीमीटर को, सराउंडिंग उसका पूरा जमीन का धरती का पूरा नाप लिए 193 किलोमीटर, समंदर का तट भी 193 किलोमीटर, जबकि भारत का तट है 8000 किलोमीटर। किसानों का ही नहीं, अन्य हालत भी ठीक नहीं है देश। इंटरनेशनल ट्रक का स्पीड क्या है, इंडिया का ट्रक का स्पीड क्या है? इंटरनेशनल ट्रक चलता है 85 किलोमीटर से 115 किलोमीटर तक पर घंटा, हमारा ट्रक चलता है 35 से 45 एक घंटा। अब दुनिया से हिंदुस्तान कब मुकाबला कर पाएगा, ऐसा कर पाएगा? इंटरनेशनल मालगाड़ी का स्पीड क्या है, जो मालगाड़ी हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, इंडियन गुड्स ट्रेन का क्या स्पीड है? बड़ा शर्म की बात है, उनका 150 किलोमीटर चल रहा है, 125 किलोमीटर चल रहा है, तो हम 55-60 किलोमीटर कब मुकाबला करेंगे? 193 किलोमीटर पेरीमीटर रहने वाला सिंगापुर 5.5 करोड़ कंटेनर प्रति समर्थन प्रति वर्ष हैंडल करता है, 8000 किलोमीटर तट लगने वाला हिंदुस्तान सिर्फ 35 लाख कंटेनर हैंडल करता है। हिंदुस्तान के कहीं भी एयरपोर्ट में जाओ, आधा घंटा कम से कम हवा में तैरना पड़ता है, उतरने को जहाज उतरने को जगह नहीं मिलती, फिर किसका तरक्की हुआ भाई? परसों में नांदेड़ आया था लोहा जाने के लिए, अधिकारी ने बताया साहब आपको 5:30 निकलना होगा, तो क्या बात है, इसका दर्जा कम किया गया है, डे नाइट एयरपोर्ट था, अभी सिर्फ डे में चलता, नाइट में नहीं चलेगा। तो इससे समझ लो कि हिंदुस्तान आगे चल रहा है कि पीछे जा रहा है, किसानों का ही नहीं बल्कि अनेक अन्य चीज भी है जिसको जरूर सुधारना है, और इसको सुधारने का शक्ति सिर्फ किसान के पास ही है। किसान का एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका मैं चाहता हूं, अपने हालात को अपने स्थिति को बदलने के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे प्रयास करेंगे, साथ ही साथ देश का भी हालात करने का हम प्रयास करना पड़ेगा, हमारे फर्ज बनता है, तभी जाके हमारे खेती किसानी बहुत जबरदस्त। देखिए एक छोटी सी चीज, खेती किसानी किसानी का जो मामला है, कोई भी अगर एक कृषि मंत्री एक भी या कोई भी प्रधानमंत्री, अभी 14वां प्रधानमंत्री है मेरे ख्याल से, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर 14th प्राइम मिनिस्टर, एक को भी अगर इतना भी बुद्धि होता ज्ञान होता, 14 बाबू को मध्य प्रदेश